ओके गाइस, इससे मिलो। ये है हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर। सो ये रही छोटू सा बेबी। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे वीडियो में, पीछे से एक घूमती रहती थी जिमी। सो ये उसकी छोटी सी बेबी है। टुडे शी इज़ जस्ट 5 डेज़ ओल्ड। जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ, बेबी रोना नहीं, एंड मैं शूट कर रही थी और ये रो रही है। सो आई वाज लाइक ओके, मैं इसको पहले चुप करवा देती हूँ। हाय गाइस, राम राम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज मैं रात के टाइम में शूट कर रही हूँ। यू ऑलरेडी नो कि मैं क्यों इस टाइम शूट करने लगी हूँ अब, बिकॉज मेरे घर में आई है एक छोटी सी पपी। जो मेरी जो हमारा पेट है जिमी, उसकी बेबी है वो, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है दिन में और मुझे सोने को नहीं मिलता है। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मैं अपना पूरा शेड्यूल डिफरेंट कर लिया है मैंने शूट के लिए। बट यस, सो आज की वीडियो होने वाले शॉर्ट कुर्ती हॉल, एंड मैं ये शूट कर रही हूँ सितंबर में, बड़ी आपको अक्टूबर में देखने को मिल रहा होगा। मैं अपने वीडियोस ऑलरेडी एडवांस में शूट करके रखती हूँ। सो यार, टाइटल देख के यू मस्ट हैव ऑलरेडी गेस कि आज होने वाला शॉर्ट कुर्ती हॉल, और ये सारी ही मैंने मीशो से ऑर्डर करी हैं। कुछ से मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, कुछ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द वीडियो। आगे देखते रहना सब कुछ और मुझे बताओ ये सेटअप कैसा लग रहा है। शुड आई कंटिन्यू विद दिस और शुड आई चेंज इट? डे लाइट वाला जो भी हो मुझे बता देना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। बट बिफोर मूविंग फर्दर इन टू द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप चाहो तो मुझसे थोड़ा और रूबरू हो सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। यू कैन फॉलो मी ओवर हेयर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा अगर टाइप नहीं करना है किसी को। सो या दैट्स दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कुर्ती नाउ। सो द वेरी फर्स्ट वन इज दिस प्रिंटेड कुर्ती, और ये मैंने जैसे ही उस पर देखा ना, आई वॉज लाइक यार ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है। आई ऑलरेडी हैव इस पैटर्न में शॉर्ट भी और एक लॉन्ग कुर्ती भी, मतलब ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, नॉट एग्जैक्टली द सेम वन, तो मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे पता है ये पहने हुए काफ़ी अच्छी लगती है। ऑल्सो आई हैव अ ब्लू आई लाइनर टूडे एज वेल, बट ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कुछ इस तरीके से आई थी। इसमें ना पॉम पॉम लगे हुए हैं लिटरली स्लीव्स के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर बॉटम में भी। ये पूरा पैम्पलम काइंड ऑफ लुक है, पहना हुआ काफी सुंदर लगता है। ट्राई ऑन अप्रोप्रिएट नहीं होगा इस बार वाला, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। मैंने ही ऑर्डर की थी एम साइज में। मटीरियल इज सुपर्ब, लाइक एकदम से मजा आ जाए वो वाला मटीरियल है इसका। सॉफ्ट कॉटन है, फील अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस कुर्ती। पहने हुए भी काफी क्यूट लगती है। इट इज अ प्रॉपर शॉर्ट कुर्ती, इट्स नॉट लाइक समथिंग जो कि बहुत नी लेवल का लॉन्ग वाला हो, नहीं, जिसको बोलते ना प्रॉपर शॉर्ट कुर्ती, ये बिल्कुल वो वाली फीलिंग दे रही है। दैट्स दैट। और इसका प्रिंट ये है, और ये कुछ ऐसे इसका प्रिंट है, बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ ना। और नेक काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा ना आगे से मतलब गोल गला देके नीचे थोड़ा सा वी डाल दिया है। दैट्स दैट, दिस इज अ फर्स्ट पीस एंड दिस वॉज फॉर 295 रुपीज, विच इज वेरी वेरी वर्थ इट इस प्राइस के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा। लाइक मेरे को तो लगा जब ये मुझे रिसीव हुआ कि इसके 500 कुछ तो मैंने दिए होंगे। सो या इट्स दैट गुड। कमिंग टू आर नेक्स्ट कुर्ती इज दिस ब्लैक वन, ब्लैक जॉर्जेट मिरर वर्क कुर्ती, और ये मैंने बहुत ही अरमानों के साथ बाय करी थी। देखी तो भी बहुत सुंदर लगी, बट जब मैं ना मेरी मम्मी को दिखाने लगी, देन शी टोल्ड मी समथिंग, आई विल टेल यू, बट आप पहले कुर्ती देख लो। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये पहनी हुई भी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी यार, इतना ज़्यादा प्रिटी और इतना ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा था इसको पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा सुंदर। एंड द ओनली ड्रॉबैक विच वी हैव इज ये जो मिरर्स है ना, ये सारे ये ना पेस्टेड हैं, दीज आर नॉट एट ऑल यू नो एम्ब्रॉयडर्ड, या फिर वो तो ना अंदर ही स्टिच हो जाते हैं, वो वाला नहीं है, या कॉर्नर्स इसके स्टिच होते तो वो भी एक अलग होता कि हाँ ठीक है निकलेगा नहीं, चुभेगा नहीं, बट लेकिन ये आपस में ही चुभ चुभ के, पहली चीज़ तो ये मिरर फर्स्ट वॉश में ही निकल जाएंगे सारे, दूसरी चीज़ ये चुभ चुभ के, ये जॉर्जेट इतना ज़्यादा पतला है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि ये इस जॉर्जेट को ही फाड़ देंगे। बट अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो इसको। वो मैं क्यों कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जब ये मिरर पे उतर जाएगा ना, तो भी जो इसके ऊपर ना कढ़ाई का काम है बारीक बारीक, इफ़ यू विल नोटिस, ये देखो कितना छोटा छोटा प्यारा प्यारा कढ़ाई का काम है इस पर, जो कि ऑन इट्स ऑन बहुत अच्छा लगेगा, बट
ये मुझे पड़ी थी 450 रुपए की, 449 की। उसके अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक सो कि हम लोग स्टोन्स उतर जाएं और फिर उसके बाद इसको पहने या कुछ भी करें। सो ये वो है। स्लीव से भी थोड़ी सी बलून वाला लुक दिया गया है, नीचे पूरा पैम्पलम इफेक्ट है। मैंने इसको डेनिम के साथ पेयर किया था, आप चाहो तो ब्लैक ऑन ब्लैक कर सकते हो, दैट विल लुक वेरी प्रिटी। डेनिम के साथ ये इतना कुछ जा नहीं रहा था बिकॉज नीचे से डेनिम यू की नजर आ रही थी एंड आई डोंट लाइक इस टाइप का कि नीचे से पता चले, है ना। सो या ऐसी कुछ है। वैसे तो बहुत सुंदर है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत सही है, बट जब ये स्टोन्स को हम देखते हैं ना तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। बैक की अगर मैं बात करूँ, बैक हमें सिंपल नहीं दी गई है, बैक पे भी पूरा मिरर का वर्क है, मतलब काफी बढ़िया क्वालिटी करके दी है। मीशो वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। ऑल्सो इसमें ना यहाँ पर हमें ये दो ऐसे दिए हैं, इसको ना हम लोग पुल करके और अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग भी बांध सकते हैं। सो दैट्स दैट, इट लुक्स वेरी प्रिटी आफ्टर वेयरिंग, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बट द ओनली ड्रॉबैक इज कि ये मिरर निकल जाएंगे या फिर ये मिरर खुद को ही चुप चुप के आपके हाथों को फाड़ देंगे, और कपड़ा तो फाड़ेंगे वो अलग है। या अपना अपने रिस्क पे लेना ये कपड़ा। वैसे बताऊं तो लुक वाइज एवरीथिंग इज सो गुड एक्सेप्ट द मिरर वाला थिंग। कमिंग टू आर नेक्स्ट पीस इज दिस ग्रीन शॉर्ट कुर्ती। इसका प्रिंट देख के मेरे को ये हो गया था, यार ये प्रिंट कितना ज्यादा सुंदर है। सो ये बहुत सुंदर प्रिंट के साथ मुझे रिसीव हुई है। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। यहाँ पर ना नेक पे पूरा कॉलर के साथ बटन वाली डिटेलिंग दी है, और इसके स्लीव्स पे ना यहाँ पर ये टेसेस दिए हैं, मतलब ये डोरियां दे रखी है, इसको बांध सकते हैं। और ये फुल नीचे पैम्पलम, सारी कुर्ती ऑलमोस्ट पैम्पलम वाली है, और नीचे ऐसे पॉम्पॉम दिए हैं। दोनों साइड सेम है प्रिंट, ये कुछ ऐसा है ग्रीन के ऊपर व्हाइट रेड का, व्हाइट एंड रेड का प्रिंट, जो कि बहुत अच्छा लगता है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी इज ऑल्सो सुपर सॉफ्ट एंड वर्थ इट अकॉर्डिंग टू 276 रुपीज का। उसके अकॉर्डिंग तो इसकी क्वालिटी यार बहुत ज्यादा अच्छी दी है इन लोगों ने। सो इट्स दैट एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी आफ्टर वेयरिंग। मुझे तो काफी अच्छा लगा, ये तो सच में बहुत अच्छा पीस है, और पहना हुआ भी ना मेरे ऊपर काफी अच्छा लगता है। आप लोग साइड में देख ही रहे होंगे, स्टिल मैं दिखा देती हूँ क्या ही जाता है। सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। ऑल्सो गाइज, वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड आई सो वॉन्टेड टू रीच दैट माइल स्टोन, 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड 4,000 वॉच आवर्स का। तो वॉच आवर्स तो अभी बहुत सारे हैं, बट स्टिल अगर आप मेरी वीडियोज जितना चाहो उतना देख लो। नहीं मन है कंप्लीट वीडियो देखने का या फिर बार बार देखने का, एक बार तो पूरा इंफॉर्मेशन के साथ देख लिया करो, दूसरी बार ना जब भी फ्री होते ना फोन में ऑन करके वीडियो छोड़ दिया करो। एक दिन में अगर एक बार भी मेरी एक वीडियो भी चला लोगे ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो वॉच टाइम के लिए और सब्सक्राइबर के लिए। तो यार शेयर करो ना दोस्तों में, फैमिली में, जो भी इंटरेस्टेड हो इस टाइप की हॉल्स वीडियो में उनको भेज दो, ठीक है। सो दैट्स दैट। इट ऑल्सो लुक्स गुड, ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सही दिया इन लोगों ने। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस पिंक डिजिटल रॉयल प्रिंट कुर्ती, बहुत बड़ा नाम है बट बेसिकली इट्स अ ड्रेस। ये मैंने बहुत लोगों को पहने हुए देखी एंड जब मैंने इस पे देखा यार कुर्ती लिखा हुआ है, लाइक सीरियसली इज दिस अ कुर्ती, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैं कहा यार कुर्ती हुई तो कुर्ती की तरह पहन लेंगे, ड्रेस हुई तो ड्रेस की तरह पहन लेंगे, देखी जाएगी। सो दिस इज हाउ आई रिसीव्ड इट। ये कुछ ऐसी लग रही है, पिंक कलर का है, ऊपर से व्हाइट कलर का वर्क है, और बीच में ये है नेट वाली लेस लगा रखी है। और इसमें ना जहाँ ये जगह जगह जहाँ जहाँ पर ये क्रॉसेस क्रॉस क्रॉस दे रखे ना, यहाँ पर हर जगह इन लोगों ने ये लगाए हैं, पॉम पॉम लगाए हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वी हैव दिस प्रिंट फ्लावर काइंड, मतलब ऐसे कुछ तो है ये बॉक्स सर्कल वाला कुछ तो काइंड ऑफ, एंड देन वी हैव दिस लाइन वाला, एंड देन ऑल्सो अगेन वी हैव द सेम जो हमारा फ्रंट में था। स्लीव में कुछ ऐसे ही है, गला भी बिल्कुल प्रिटी सिंपल गोल गला है, और इसमें भी ऐसे ये टेसेस दे रखे। इसको अब मैं बताती हूँ, इसको ड्रेस के साथ भी बहुत सुंदर लगेगा ये पहना हुआ, बिकॉज ये नी लेंथ तक है। एंड ये अगर आप चाहो तो इसको लेगिंग्स के साथ या फिर जीन्स के साथ किसी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हो, इट विल लुक नाइस। जुती पहन सकते हो इसके साथ, बहुत सुंदर लगेगी यार पहने हुए। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि यार क्या ही ले लिया। इट वॉज जस्ट वॉज फॉर 322 रुपीज़, उस हिसाब से तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। यार मैंने ना अमेजोन से 1,000-1,000 रुपये की भी कपड़े खरीदे, और उनकी और इसकी क्वालिटी में बहुत फर्क है। सो इट इज गुड, बेटर देन दैट। सो या इट्स समथिंग लाइक दिस एंड इट लुक्स गुड। तो मुझे तो काफी पसंद आई, बाकी आप लोगों को मुझे बतानी, इट इज प्रिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस ब्लू कलर की शॉर्ट कुर्ती, एम्ब्रॉयडर्ड शॉर्ट कुर्ती। अच्छा मैंने बताना भूल गई ना, मैं हर एक कुर्ती एम साइज में है, और अगर आप लोग नहीं जानते हो, आई एम करंटली ऑन डाइट एंड मैं जल्दी ही एम से एस में आ जाऊंगी। सो
यस सो या इट्स समथिंग लाइक दिस ब्लू कलर की सिंपल प्लेन कॉटन की कुर्ती, और ये मुझे पड़ी थी 366 रुपीज़ की। ये कुछ ऐसी लग रही है, बहुत ही चटक सा ब्लू कलर है। आई डोंट लाइक ऐसे एकदम चटक वाले कलर मैं पहनूँ, पता नहीं मेरे ऊपर अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। ये देखो, दिस इज़ वट कलर थ्योरी लुक्स लाइक। अभी ब्लैक है और ये लाइट, मतलब अगर मैंने सिर्फ ये पहना होता ना तो भी वो चीज़ इतनी अच्छी खिल के नहीं आती जितनी वो ब्लैक के साथ उसमें आ रही है, कॉन्ट्रास्ट में आ रही है। सेम वे ये देखो, दिस इज़ नॉट एट ऑल ब्राइटनिंग माई फेस और यू नो ब्राइटनिंग माई कॉम्प्लेक्शन बेसिकली एंड लुक। दिस इज कलर थ्योरी। सो या बट पहनने के बाद ये सही लगती है, अच्छी लगती है, नो डाउट। बट 322 में ये है, 366 में ये है, एंड स्टिल दिस इज वे मोर वर्थ इट देन दिस वन, बिकॉज इसमें कुछ नहीं यार, इसमें सिर्फ ये है गले पे, एंड देन ये स्लीव पे थोड़ा सा, एंड देन फिनिश, नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म, बस ये है जो है। तो ये प्रिंट भी ना मुझे थोड़ा सा, आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ना पुराना पुराना सा, और मतलब वो वाइब मैच नहीं हुई मेरी इससे, मतलब दिस इज नॉट माई स्टाइल एट ऑल। सो अगर आप में से कोई लेना चाहे ले सकता है, 300 के अकॉर्डिंग ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी, बहुत वाव नहीं है, पैसा वसूल वाला मैं नहीं बोलूंगी, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है आप देख लो, आप ले सकते हो। मैं इसको रिटर्न पे डालूंगी, नो डाउट। सो दिस इज दैट, एंड या इट्स ऑल अपॉन यू, पहनो भी ठीक ही लगता है, मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं मेरे ऊपर। बाकी जिसको जिसका स्टाइल है इसको पहनने का वो पहन सकते हैं, वो देख सकते हैं। जिस मॉडल पे मैंने देखा था उस पर तो काफी अच्छा लग रहा था, बट ये मेरे पे फ्रैंकली स्पीकिंग इतना अच्छा नहीं लगा। कमिंग द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इन दिस हॉल इज दिस मरून कुर्ती, एंड दिस इज फॉर 350 रुपीज। अब मैं कुर्ती दिखा देती हूँ क्या है। ये भी वही चीज हुआ मेरे साथ, ये मॉडल के ऊपर पहने हुए इतना अच्छा लग रहा था, बट जब ये मेरे सामने आया तो बहुत ही लाइक 20 साल पुराना कोई कढ़ाई का डिजाइन चल रहा होगा इस पे, वो है तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार ये जमेगा नहीं मुझे। सो या दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, यही यही इस चीज की मैं बात कर रही हूँ, दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई डोंट लाइक इट। ग्रीन कलर के इसमें ये पॉम पॉम दिए हैं, वही पैम्पलम इफेक्ट है, सिंपल स्लीव्स हैं, 3/4 पॉम पॉम है, बटन्स भी ना इसके वही बहुत ही पुराने जमाने टाइप के लगे हुए हैं, इफ यू गाइज कैन सी। या तो मुझे ये बहुत ओल्ड वाली वाइब दे रही थी, इसलिए मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे लुक अच्छा नहीं लगा। क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, 350 के अकॉर्डिंग ठीक है क्वालिटी, एंड या दैट इज द ओनली रीजन वाई आई एम रिटर्निंग दीज टू वापस। फालतू में रख के भी कोई फायदा नहीं है अगर मैं पहनूंगी नहीं उसको। सो या दैट्स दैट, एंड या गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जो मैंने बताना था मैंने बता दिया, आई थिंक थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही थी इस वीडियो में, बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। एंड या आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने सजेस्ट करने थे मैंने वो क्लियरली बोल दिया, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो भी मैंने क्लियरली बोल दिया। एंड या गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और वीडियो सजेशन दो, ये भी आप में से किसी का वीडियो सजेशन था मैं डाल दूंगी जहां पर जिन्होंने मुझे ये वीडियो सजेस्ट की थी। सो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी दिस वीडियो। और किसको क्या देखना है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आप लोगों के लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। एंड या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू डू सो देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। सो यार तब तक के लिए बाय।